सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस, आप सब का स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क डॉग्स डाइनो वॉरलेग्स का। बाकी आप बोलोगे ग्राफिक की वैसी दिख रही है, तो डाइनो वॉरलेग्स का एपिसोड 1 देख लेना, उसमें मैंने आपको बताया डिटेल में कि ये ग्राफिक इतनी घटिया क्यों है। बाकी गाइस, पिछले एपिसोड में डाइनो वॉरलेग्स के आपने देखा होगा, हम लोग ने एक गाचा एपिक्स वाले दो डोडो और एक एपिक्स वाला जो पीटी है ना गाइस, उसको टेम करने का काम करा था। और अभी आज का जो एपिसोड है, इस वाले एपिसोड में वैसे मैं सोच रहा था कि मैं ग्रिफिन को टेम करूंगा, बट गाइस मेरे पास जो ये लॉन्ग नेक है ना गाइस, इससे मैं किसी भी ग्रिफिन को नॉकआउट नहीं कर सकता होगा गाइस, ठीक है। वैसे मैं इस पीटी के ऊपर लॉन्ग नेक क्या चला पाऊंगा, नहीं गाइस चला सकता। सो गाइस, मैं किसी भी ग्रिफिन को नॉकआउट नहीं कर सकता, मुझे उस ग्रिफिन को नॉकआउट करने के लिए कोई और तरीका जो है ना गाइस वो ढूंढना पड़ेगा। अभी भी वो तरीका क्या है वो मैंने सोच लिया है, लेकिन वो आपको मैं बताऊं उससे पहले गाइस, जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको गेमिंग विद्यानी और हमारे ब्लॉगिंग चैनल की। सो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस। हमारा सुपर थैंक्स का जो ऑप्शन है ना गाइस वो अनलॉक है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो ना, तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में आपको एक छोटा सा थैंक्स का बटन दिख जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को जो ना गाइस सपोर्ट कर सकते हो। और गाइस यहां पे एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, गेमिंग विद डैनी के चैनल पे यहाँ पे जो है ना गाइस शुरू हो चुके हैं प्राइमल फियर की सीरीज। अगर आपने अभी तक वो सीरीज नहीं देखे तो जाके देख लो, एकदम धातु वाली सीरीज है गाइस, एकदम खतरनाक सीरीज है। और अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर गाइस बनाने और अपने फ्रेंड लोग के साथ खेलना है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो सर्वर का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लोग लिटरली किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से निट्राडो सर्वर को जरूर से चेकआउट कर लेना। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, करते भी आज का जो एपिसोड है गाइस उसकी शुरुआत बिना किसी देरी के और मचा डालते गाइस एकदम फुल टू। तो भाई ना मेरे भाई, अभी आप सोच रहे होंगे भाई मैं यहाँ पे ये पेड़ पौधे क्यों तोड़ रहा हूँ। तो गाइस देखना, हम लोग जो है ना गाइस, ये जो एपिक्स वाला ग्रिफिन है जिसको हम टेम करना चाहते हैं, उसको ना नॉकआउट नहीं कर सकते ऐसे गाइस नॉर्मल ट्रैप में फंसा के, क्योंकि नॉर्मल ट्रैप उसके लिए छोटा पड़ जाता है। इसलिए मैंने सोचा अगर हम उसको नॉर्मल ट्रैप में फंसा के गाइस नॉकआउट नहीं कर सकते, तो हम लोग गाइस एक काम करेंगे ना मेरे भाई, हम लोग उसके लिए जो बेमत वाला गेट वाला ट्रैप है ना गाइस वो इस्तेमाल करेंगे और उसमें फंसा के उसको टेम करने की कोशिश जो है ना गाइस हम लोग आज के इस एपिसोड में करने वाले। तो चले गाइस बिना किसी देरी के आज का एपिसोड शुरू कर दे। और बेहमत वाले, रुक जाओ, पहले मुझे बेहमत अनलॉक करने पड़ेंगे ना। ना बेहमत वाले गेट में अनलॉक कर चुका हूं, रुको गाइस, बेहमत वाले गेट ये रहा गाइस, बेहमत वाला गेट मेरे हिसाब से 5 गेट से तो काम बन जाएगा गाइस, ठीक है। 5 ये गेट और 2 जो है ना गाइस उसके दरवाजे बना लेने मेरे को, ठीक है। और मेरे को गाचा नहीं, रुक जाओ, गन कौन सी है, 206 वाली है, 150 206 वाली गन भी साथ में लेके चल रहा हूँ। अगर कुछ लफड़ी हुई, किसी ने उंगली करा, तो इस गन से जो ना गाइस चेप डालूंगा भाई, ठीक है। ये डॉग्स वाली डाइनो वॉरलेग्स वाली गन है गाइस, चेप डालेगी सबको। चलो आ जाओ, बाकी ये गेट बन गए, रुक जाओ, बेहमत बेहमत वाला ये 2 गेट बना, 2 दरवाजे बना लेने, ठीक है। तो इसी ट्रैप में हम लोग ग्रिफिन को ट्रैप करके टेम करने वाले, ताकि जब उसका टॉर्पर गाइस 80% तक चढ़ जाता है ना, तब वो भाग ना पाए भाई, ठीक है हमसे। ओके चलो गाइस, तो ग्रिफिन को टेम करने का जो तरीका नया वाला लाया है हमने, क्या वो वर्क करेगा अभी पता चलने वाला है आपको। बट पहले ना मुझे यहाँ पे जो क्रिस्टल मिले ना गाचा से, उन क्रिस्टल को जो ना कंज्यूम करने दो और देखने दो कि उनमें मुझे कौन कौन सी चीजें मिलती है गाइस, ठीक है। क्या मिला, थैच, वाह भाई वाह, थैच मिला भाई। इसमें क्या मिला, इसमें भी थैच मिला भाई, क्या फालतू गिरी है भाई मुझे, भाई बिक गई है गवर्नमेंट यार, ये सारे मिलके पागल बना रहे गाइज। मुझे जो है ना गाइज थैच के अलावा और कुछ भी दिया नहीं इन लोग ने भाई, मेरे साथ अन्याय हुआ है गाइज। चलो भाई अन्याय बिन्याय बाद में देखेंगे, पहले अभी चल के ना ग्रिफिन को टेम करने का काम चालू कर देते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि ग्रिफिन के बिना जो है ना गाइज एक जगह से दूसरे जगह पे जाने में हमको सालों लग जाएंगे, लिटरली सालों लग जाएंगे, क्योंकि ये पीटी की मूवमेंट स्पीड आप खुद ही देख सकते हो कितनी ज़्यादा तेज है। इससे डेजर्ट में पहुँचते पहुँचते हमारी फट के हाथ में आ जाती है। तो भाई बताओ गाइस हम लोग भाई कैसे इसको चला पाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है भाई, फ्लेम थ्रोवर है ये ग्रिफिन, आपको लग रहा होगा कि इसको टेम कर लो, बॉस है भाई वो, बॉस है, उसको टेम करने जाऊंगा ना मेरी भाई पेटी बन जाएंगी। ये बॉस वाला ग्रिफिन है,
ठीक है, इसको मुझे मारना पड़ेगा, इसको मारने से, एक मिनट रुक जाओ, उसको मारने से मुझे, ओह शिट ड्यूड, दैट ज़ॉम्बी डूड मैन, ज़ॉम्बी डूड एंड सम, ओह शिट मैन, दिस आर्मी इज फॉलोइंग मी और व्हाट, अबे यार हेलो, किस खुशी में फॉलो कर रहे हो बे, व्हाट द हेल मैन, भाई ये तो ना इंसाफी हो रही है मेरे साथ, लकीली मेरे पास इनफ भाई लिंक पोशन है जिससे मैं बच जाऊंगा, वाओ मां की आग भाई, मां की आग भाई, हीलिंग पे ध्यान रख, डैमेज तो दे रहा हूं बट इनको मरने में टाइम लग जाएगा भाई, यार भाई टोटो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो इस खतरनाक से आर्मी को मेरे पीछे भेजा है तूने, साढ़े हाँ मर गए गाइस, कुछ तो मर गए गाइस इसके, बाप रे भाई अकेला बचा हुआ भाई, बहुत सॉलिड गंदा काम हुआ भाई अपने साथ, भाई अपना गेम बचने वाला था लिटरली भाई, क्या बचाओ बाल बाल पे, क्या बचाओ बाल बाल, इधर आ भाई, वो जो ना गाइस बहुत ज्यादा खतरनाक है गाइस, ज़ॉम्बी वाला डोडो गाइस, वो ज़ॉम्बी डोडो भाई बैंड बजा सकता है, कल्टी मारना पड़ेगा यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतने ज्यादा जल्दी, भाई ज़ॉम्बी डोडो के मिनियन हमारी बैंड बजाने वाले थे तो वो ज़ॉम्बी डोडो गाइस हमारी क्या हालत करेगा गाइस, सोच लो गाइस जरा, सोच ही लो आप, रुको तो किलिंग पोशन बना लूं भाई, मरते मरते बचाओ, अबे भाई मरते मरते बचाओ, मैं तो ज़ॉम्बी डोडो के ना नजदीक भी नहीं था बट गाइस उतने दूर से बेस क्या उसके मिनियन टारगेट करके मेरे ऊपर ही आ गए भाई, एग्रो के भाई, अगर ऐसा ज़ॉम्बी डोडो मेरे घर के नीचे स्पॉन हुआ ना लग जाएंगे गाइस, अपने अपना पूरा घर गाइस उड़ा देंगे गाइस डायरेक्टली, चलो चल दे अभी आराम से, एक चीज है अभी कौन सा मछला दिखाई दे रहा है यहाँ पे भाई, ये क्या, अरे बाप रे गोरिला बिरिला दिखाई दे रहा है, ठीक है थोड़ा आसमान की ऊंचाई से उड़ता हूँ मैं ताकि कोई भी जो ना गाइस मेरे ऊपर एग्रो ना हो सके, देख रहे हो पानी में भाई कोई तो स्विमिंग कर रहा है भाई, अच्छा स्विमिंग कर रहा है क्या गोरिला, नजदीक भी नहीं जाना चाहता मैं, देखना भी नहीं चाहता वो गोरिला कितना खतरनाक है और उसकी एबिलिटी क्या है, ठीक है और उसकी हेल्थ क्या है वो भी नहीं देखना चाहूंगा मैं सीधा कल्टी मार रहा हूँ, मेरे को ग्रिफिन चाहिए गाइस आज किसी भी कीमत पे। A few moments later. ये क्या चीज है, रेवेंजर है नॉर्मल वाला, ठीक है चलो ओके, मैं ग्रिफिन वैली के गाइस काफी ज्यादा नजदीक आ चुका हूँ और मैं ऊपर से उड़ रहा था, मुझे कोई भी भाई खतरा नहीं दिखा ऊपर, डायरेक्टली मैं ऊपर से उड़ उड़ के आया हूँ सीधा यहाँ पे, ठीक है लैंड कर दे भाई, लैंड कर दे आराम से गाइस, यहीं पे बैठे रहना है मुझे, पहले झाक के आना पड़ेगा कि मतलब यहाँ पे स्टिल गाइस ग्रिफिन जो है ना गाइस वो है कि नहीं गाइस, ठीक है यहाँ पे ग्रिफिन है कि नहीं वो देख के आना पड़ेगा ना, अगर ग्रिफिन होंगे तभी तो गाइस उनको टेम करूंगा, ग्रिफिन ही नहीं होंगे तो टेम किसको करूंगा, अरे भाई क्या ग्रिफिन वाले में एक भी ग्रिफिन नहीं है, वाह पांडे जी वाह, हेल्प हॉर्स भाई वाह बेटे वाह, बेस की आखियाँ, तो मैं क्या करूँ अभी मैं तो क्या करूँ क्या भाई बता दो मेरे को भाई बता दो अभी मैं करूँ क्या, मैं कहाँ ग्रिफिन को ढूंढूँ यार, मेरी जिंदगी झंडे भाई, ग्रिफिन वाली में ग्रिफिन ही नहीं है, अबे आप बोलेंगे वो नेस्ट लूट लो भाई, अंडू पांडू डायनो की नेस्ट नहीं है वो, याद रखना किसकी नेस्ट है भाई, अबे वो नेस्ट किसकी है बताओ, मरना नहीं चाहता यार मैं, अपने डायनो को मरवाना नहीं चाहता हूँ, चुल तो मच रही है, मैंटी बिंटी को आजू बाजू दिख नहीं रहा, अबे किसी का चमन की नेस्ट है, रॉक ड्रेक कितना लेवल है, 8000 भाई, 8000 लेवल वाले चमन, रुक 8000 ही हेल्थ है ना इसकी, 8000 ही हेल्थ है ना, 8000 हेल्थ तो भाई सब मक्खन की तरह काट के रख देंगे हम लोग इसको, रुको मार मार, किधर भग रहा किधर भग रहा भाई, तेरा अंडा तो मैं चुरा के लेके जाऊंगा बाबा, किधर भी भगले तू, निकल बेस क्या भाई, इसने तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें दी है, एपेक्स ड्रैगन सोल भाई, थोड़ा भाई चीजें पहले जल्दी जल्दी ट्रांसफर कर ले, ठीक है एक मशीन मशीन गन गई दी है कुछ तो भाई, ठीक है थोड़ा स्टैमिना रिजेन कर ले क्योंकि यहाँ पे डोडो रेक्स दिख रहा है, ठीक है अभी अपन लोग ने ये रखवाला तो उड़ा डाला है ना इस नेस्ट का, अभी इस नेस्ट को जो है ना गाइस, ओह शिट मैन कितने हेल्थ है बंटा है कि एपेक्स डोडो रेक्स 22000 टॉर्पोर, एक मिनट रुक जाओ भाई एटलीस्ट ये तो मिल जाए मेरे को, साड़ो रेवेंजर्स चिंदी चोर्स साड़ो, रुको रुको गाइस वो डोडो रेक्स तो मिल जाए एटलीस्ट गाइस,
डोडो रेक्स तो मिल जाए, रुको इसी से काम चला लूँगा। आ जा बेटा, आ जा, आ जा बेटा, साले नीचे ना गिर जाओ भाई, बैंड बज जाएगी। ये डोडो रेक्स है तो सही, रुको 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 रुको, इस डोडो रेक्स को ही टेम कर डालता हूँ मैं, ठीक है, काम चला लूँगा गाइस, इससे ही इससे काम चला लूँगा, ठीक है। रुक जा बेटा, बैठ जा आराम से जमीन पे, आने दे इसको, आने दो गाइस, आन दो आन दो आन दो आन दो, तोबड़े पे मार सीधा, तोबड़े पे सीधा, 5000 का एक बटका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है 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 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है आ रहा है, रिंगा रिंगा रोजेज कर रहा है गाइज भाई। लेकिन ये भी तो भगेगा ना गाइज, वही सीन है ना, ये भी तो भगेगा, ये थोड़ी रुकने वाला है अपने लिए। यहाँ पे फेदर गिर रहे ग्रिफिन्स के, अपने मिनियन बिनियन तो ना बुला रहा ना, एपेक्स वालों के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो मिनियन बुला सके गाइज, वरना मेरा पीडी ना मिनियन बुला लेता। हाँ भाई इधर आना, आमो नहीं है ज्यादा बेटा, डोडो रेक्सी बेटा, डोडो रेक्सी, ऐसे क्या नखरे डोडो रेक्सी के भाई, क्या नखरे, उधर भग गया भाई, बताओ इसको टॉर्पर तो मैंने चढ़ाया है भाई मस्त, भाई टॉर्पर उतर गया, इसको ट्रैप करना पड़ेगा गाइस, इसको ट्रैप करना पड़ेगा। ये क्या चीज है, रबर गोलेम नहीं, वो कौन सी चीज है, व्हाट द हेल भाई, व्हाट द हेल, ये उड़ सकती है भाई ओबीस, मैं ना जानता तेरे को भाई, पल्टी मार रहा मैं जानता ही नहीं उसको, मैं जानता ही नहीं भाई, भाई चुपचाप नेस्ट में से अंडा उठा लूंगा, तुम लोग को खाली चांस चाहिए ना, आराम जा दो, तुम लोग को खाली चांस चाहिए, कब भाई यहाँ पे कोई खाली हो जाता है भाई, रुको साढ़े चांस चाहिए खाली, कोई जमीन पे बैठे डायरेक्टली मारने के लिए आ जाते हैं। रुको रॉक ड्रेक का अंडा भाई चुराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है हाँ ठीक है, ई टू पिकअप भाई, रॉक ड्रेक का अंडा अपन लोग ने पिकअप कर लिया, ठीक है चलो आ जाओ भाई, अपने पास रॉक ड्रेक का एक फर्टिलाइज वाला अंडा आ चुका है, ठीक है 530 लेवल, आ जाओ भाई आ जाओ, इजी पीजी उठा लिया गाइस हम लोग ने, तोड़ भाई नेस्ट को, तोड़ दे भाई नेस्ट को, उड़ा दे, क्या होता नेस्ट में से कुछ मिल जाए भाई, 50,000 हिलते नेस्ट की भेज की आग, निकल लेने दो मेरे को भाई, टक गया क्या यहाँ पे भाई, मैं सोच रहा था मैं डोडो रेक्स को टेम करूँगा यार, मतलब मन तो कर यार, निकल ले यार, पता नहीं ये ओवीस का मैंने क्या बिगाड़ा है, साड़ा पीछे ही पड़ गई भाई, बॉस वर्जन ने रॉक ड्रेक का इतना पावरफुल बन सकता है, रॉक ड्रेक नहीं बन सकता लेकिन डोडो रेक्स ही हो सकता है जितना पावर, ओह शिट देयर इज अ रीपर मैन, रीपर भाई, ग्रिफिन शिपिन भी दिख रहे हैं मेरे को, मेरे को ना ये डोडो रेक्सी को टेम करने का बहुत मन है यार, बड़े ना भग जाएगा गाइस समझ रहा हूँ, तो मुझे भाई वो करना पड़ेगा, ट्रैप करना पड़ेगा अपनी एबिलिटीज, ओए भाई गोलेम ने एक फायर बॉल मारा मेरी पेटी, व्हाट द एफ मैन, अबे हम नीचे वो एक गोलेम था ना ग्रीन कलर का, उसके ऊपर से उड़ रहा था भाई, एक फायर बॉल में सीधा पेटी खोपड़ी पे भाई डायरेक्टली लग गया और खत्म, माँ की आग भाई यार, भाई ये मोड़ बहुत खतरनाक है यार, ये मोड़ बहुत खतरनाक है भाई यार, मुझे ग्रिफिन चाहिए यार लेकिन मेरे को मिलेगा नहीं ग्रिफिन, मुझे भी पता है भाई, मेरी झंड जिंदगी जो है भाई, झंड किस्मत है भाई, भाई मैंने टीवी कहाँ लगा रखा है, अभी सामान मिल गया लकीली गाइस, मैंने रॉक ड्रेक का अंडा अपने इन्वेंटरी में रखा था, हाँ ये रहा रॉक ड्रेक का अंडा, अरे ठीक है रुक जाओ इसको भाई वो करने की कोशिश करता मैं, हैच करने की, यार कैसी जिंदगी आ गई यार अपनी, बताओ भाई क्या हो रहा है, टू कोल्ड है क्या, हाँ रुक जा टू कोल्ड है तो अपन कुछ कर सकता, रुको टॉर्च निकाल भाई, टॉर्च अनलॉक नहीं है क्या स्टैंडिंग वाली, हाँ एसएस वाली स्टैंडिंग टॉर्च निकाल ले भाई, भाई 10 बना लेता हूँ, ओरिजेंटे को पहले हैच कर लेता हूँ, एटलीस्ट एक रॉक ड्रेक तो अपने पास आएगा इस, एटलीस्ट एक रॉक ड्रेक तो है बेस गया, कुछ नहीं तो एक रॉक ड्रेक तो है, ठीक है इनको भाई पहले चालू करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है चेंज सेटिंग ऑटो टर्न ऑन ऑफ, भाई ये देखो गाइस इनकी सेटिंग जो ना कैसे चेंज कर करके मेरे को इन लोग को जो ना कैसे से चालू करना पड़ेगा, ठीक है सारी की सारी जो कैसे यहाँ पे देख रहे हो स्टैंडिंग टॉर्च उनको, एंड जब कैसे यहाँ पे इनफ हीट हो जाएंगी ना गाइस तब जाके अंडा हैच होना चालू हो जाएगा, स्टिल टू गोल्ड है ना, हाँ भाई मुझे नहीं लग रहा है इतू से भाई टॉर्चेस में जो ना कैसे ये भाई हैच होने वाला है, अब यार इंसेंटिविटी भाई नहीं बढ़ाना है अपन को, और जैसे अपना काम खत्म है टॉर्चेस में यहाँ से हटा दूंगा,
गर्मी होना चालू हो चुका है। नीचे आप देख सकते हो मेरे पास जो है ना गाइस, वो मैं गर्म हो रहा हूँ करके गाइस वो सिंबल दिख के आ रहा है गाइस, ठीक है। इतने से गर्मी से कुछ नहीं होने वाला, मेरे को और गर्मी चाहिए होगी। टू कोल्ड लगाया था भाई, ठीक है। टू कोल्ड भाई, टू कोल्ड बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है भाई। ये लो भाई, मैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा जो ना कहीं जीट हो चुका हूँ यहाँ पे। ओके मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्च लगा के इस अंडे को हैच कर पाऊँ, ठीक है। देखते चलो गाइस कि हम लोग इस अंडे को हैच कर पाते कि नहीं, और करे तो कितना टाइम लगता है। टू कोल्ड भाई, हेलो कितने लगा दूं भाई? यार मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा लगेंगे गाइस यहाँ पे, ठीक है। स्टैंडिंग टॉर्च भाई 10 लगा दिए, लेकिन 10 से भाई ये हैच ही नहीं हो रहा। मैं और 10 लगा देता हूँ, चलो देखते क्या सीन होता है। टू कोल्ड ना, रुको, टू कोल्ड बोल रहे हैं गाइस। सो हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे और ज़्यादा टॉर्चेज जो है ना गाइस वो ऐड करे जा रहे हैं, ठीक है। देख दे और कितना जो है ना गाइस हीट चाहिए। बारिश आए तो और भी ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा यहाँ पे। क्या बोल रहा है? टू कोल्ड भाई, क्या किया भाई? और कितना टू कोल्ड बोलेगा भाई ये? क्या बोल रहा है? हाँ भाई 30 सेकंड में आ चुका है अंडा, तो गाइस बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आ चुका रहा है, काफ़ी अच्छी बात है गाइस। 30 सेकंड में जो ना गाइस यहाँ पे अंडा हैच हो जाएगा गाइस, ठीक है। अपने पास एक रॉक ड्रेक आ जाएगा, वो भी एपिक्स वाला, बिलीव नहीं हो रहा गाइस मेरे को भी 30 सेकंड में। ये मैंटी को रूट रहा है भाई वहाँ पे, ठीक है ठीक है। चलो ओन दो भाई, देख रहे हो कितनी स्पीड से अंडा हैच हो रहा है। अबे आप बोले कि जाके एक मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे थोड़े से मैंटिकोर झंडी कर दे। तो गाइस अगले एपिसोड में उन मैंटिकोर के नेस्ट में से उनका अंडा चुराने की कोशिश कर ले गया। क्या बोलते हो पब्लिक? मैंटिकोर आ गया तो फिर भाई बेल डालेंगे ना यार सबको, ग्रिफिन से भी ज़्यादा ओपी होता वो। ठीक है इसको क्लेम कर लेना, हुआ क्लेम कर लेने का बेबी को, ठीक है भाई। ए भाई ये हटा दे पिकअप गन की तरह, पिकअप गन डेमो गना उठा ले बाबा, उठा ले भाई। डिमोलिश मोड है भाई, डिमोलिश डिस्ट्रॉय मोड पे वर्क नहीं करता क्या भाई ये? यार वर्क नहीं करता क्या? अच्छा इस पर वर्क नहीं कर रहा, कहाँ पे? अच्छा नीचे, अच्छा यहाँ पे ऐसे एम करना पड़ रहा है क्या इनके? पता नहीं घर बिर की कोई चीज़ ना उड़ा डालो मैं गलती से गाइस यहाँ पे, ठीक है। ये पिकअप करने से जो है ना गाइस इजी होता है थोड़ा सा, ठीक है। ये आखिरी वाली गाइस एक टॉर्च है, ओके डन। चलो गाइस, गाइस हमारे पास ना एक नन्ना मुन्ना सा रॉक ड्रेक आ चुका है। अभी आप बोलोगे सबसे बड़ा सवाल, इसको सैडल कहाँ से लेके आएंगे हम लोग? मैं भी वही सोच रहा हूँ, इसके लिए सैडल कहाँ से लेके आएंगे? पहले तो इसको FMK वाला पोशन खिला देते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं, इससे इम्प्रिंट भी हो जाएगा और तुरंत ही बड़ा हो जाएगा। हो गया बड़ा, ठीक है। एपेक्स वाला रॉक ड्रेक तेरे भाई के पास आ चुका है, ठीक है। एडमिन मोड, अबे किसको क्रायो कर लिया मैंने गलती से? भाई तू क्रायो नहीं होता क्या भाई? हेलो सर, हाँ ठीक है, हो गया क्रायो, हो गया गाइस क्रायो हो गया। ये रहा गाइस हमारा एपेक्स वाला रॉक ड्रेक 500 लेवल का, सबसे बड़ा सवाल अभी रॉक ड्रेक का सैडल गाइस बनाने के लिए हम लोग रॉक ड्रेक सैडल रेड जिम कहाँ से लेके आएंगे? मुझे एक जगह पता है जहाँ से रेड जिम मिल सकते हैं, और मेरे इन्वेंटरी में भी रेड जिम मिलेंगे अगर मैं कुछ बॉसेस को मारूंगा तो। ये क्या मिला? यूज टू लेजेंडरी स्पॉनिंग डायनो ओवरऑल, कंज्यूम कर लो क्या भाई? घर पे स्पॉन हो जाएगा कोई, ठीक है। ये क्या है? शॉटगन है क्या मिनी वाली? हाँ भाई शॉटगन मिलेगा इस एकदम मिनी वाली, जिसे अपन लोग चेप सकते हैं गाइस। थोड़ी सी अलग सी शॉटगन है, आप देख ही सकते हो, ठीक है। ओके अभी एक काम कर लेता हूँ, और कन्वर्टर बना लूँ क्या? कन्वर्टर बनेगा, कन्वर्टर में भाई कंपैक्ट स्टोरेज नहीं, कन्वर्टर ही होता है ना यार, क्या होता है वो? फैब्रिकेटर, कुछ तो ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम लोग जो है ना गाइस क्या बोलते हैं यार उसको, कन्वर्टर ही बोलते शायद से, नॉर्मल वाला कन्वर्टर होता है क्या वो, जिसमें हम लोग जेम्स बना सकते हैं। इसमें एक लोकेशन है जहाँ पे जेम्स बनेंगे, बट वो लोकेशन ना बहुत ज़्यादा दूर है यार, वहाँ पे जाने में कहीं से हमारी बैंड बच जाएंगी, ठीक है। हमको फ्लोटिंग आइलैंड पे जाना पड़ेगा, और पीटी तो भाई लेकिन भाई वहाँ पे नहीं जा सकता, रास्ते में कोई ना कोई पेल डालेगा और पीटी से वहाँ पे जाने में 4 जन्म लग जाएंगे। पता नहीं क्या करेंगे यार, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। मुझे क्या इस फ्लोटिंग आइलैंड पे जाना पड़ेगा अगर मुझे इस रॉक ड्रेक का सैडल बनाना है तो? मेरे पास और कोई चारा नहीं है, हमको फ्लोटिंग आइलैंड पे जाना पड़ेगा गाइस।
एक काम कर लेते हैं आज ना भाई, हम लोग भाई मर चुके हैं एक बार, तो हम अभी रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। हाँ, रॉक ड्रेक हमारे पास आ चुका है। हेल्थ कितनी है भाई तेरी? इसका डैमेज कितना भाई? भाई हेल्थ काफी सॉलिड है भाई, हेल्थ तो सॉलिड है भाई। डैमेज भी मेरे को लग रहा है सॉलिड होएगा गाइस इसका, इसका डैमेज भी सॉलिड होएगा। हेल्थ अगर इतनी सॉलिड है तो इसका डैमेज भी सॉलिड होगा गाइस, ठीक है। ये ले भाई, 1 मिलियन और 1 लाख गाइस लगभग इसकी हेल्थ है, ठीक है। इसका सैडल अपन लोग जल्दी बनाने वाले हैं, मतलब अगले एपिसोड में इसका सैडल बना लेंगे हम लोग। एंड इस रॉक ड्रेक से ना हम लोग कुछ नॉर्मल से बॉसेस को मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने जो वो रॉक ड्रेक को मारा ना तो मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली है, तो शायद से हम लोग और ज़्यादा अच्छे वाले बॉसेस को मारेंगे तो हमको और खतरनाक सी चीज़ें मिल सकती है। तो आने वाले एपिसोड में हम लोग जो है ना गाइस कुछ और बॉसेस को मारेंगे। अभी गए थे हम ग्रिफिन टेम करने, ग्रिफिन तो टेम नहीं हो पाया हमसे, बट हम लोग हमारी पीडी को मरवा के जरूर आ गए। और ये जो गाचा टेम करके लाया था, जिससे मुझे उम्मीद ही थी कि काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली है, उससे मुझे ना थैच और ऑयल के अलावा भाई देखो, ओ हेलमेट मिला है, फालतू की चीज़ें मिल रही है, कोई अच्छी चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है। तो गाइस ये गाचा को मारो गोली, अभी जो भी करना है अपन को खुद को ही करना है। तो गाइस एक बार इसका सैडल बन गया ना, उसके बाद हम लोग भाई अच्छे से भाई तबाही मचा पाएंगे यहाँ पे। पहले जाके उस डोडो को मारूंगा जिसने मेरे ऊपर हमला करा था, ठीक है। चलो अभी ये वाला एपिसोड ना हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, थोड़ा सा छोटा एपिसोड है, बट फ्लोटिंग आइलैंड पे मुझे एग्जैक्टली उस गुफा की लोकेशन पता नहीं है, तो मैं अगले एपिसोड में ना थोड़ी सी लोकेशन विकेशन के बारे में रिसर्च करके आऊँगा। और एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर हम जेम्स बना सकते हैं, उस मशीन का नाम अगर आपको पता होगा ना गाइस मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है। कन्वर्टर ही होता है गाइस, बेंच होता है क्या कोई बेंच? केमिस्ट्री बेंच तो नहीं होता गाइस, टेबल होता है क्या कोई? नहीं यार, कुछ तो मशीन होती है गाइस जिसमें जो है ना गाइस हम लोग बना सकते हैं वो चीज़ें, बट वो मशीन का नाम जो है ना गाइस वो मैं भूल चुका हूँ। चलो कोई ना, आने वाले एपिसोड में थोड़ी सी रिसर्च करके मैं भी आता हूँ, बाकी अगर आपको बता होगा नाम तो नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो ग्राइंडर ये रहा, बनेगा किस में? फैबी में भाई, फैबी कहाँ बनाओ यार, और रिसोर्स देख रहे हो ग्राइंडर बनाने के लिए कितने चाहिए। अबे इससे अच्छा तो मैं वहाँ पे ही चला जाऊँ भाई, 3200 मेटल क्रिस्टल, 2800 सीमेंटिंग बेस, और 600 पॉलीमर और 600 ऑयल भाई। ना भाई इतने भाई रिसोर्स नहीं है मेरे पास, मैं गाइस वो रॉक ड्रेक वाली जो गुफा है ना गाइस इस आइलैंड पे उसमें ही जाऊंगा और वहां से क्रिस्टल लेके आऊंगा, बात खत्म भाई, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे सीधा अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। जाते जाते वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बाकी, ठीक है, बाय बाय, सी यू लेटर गाइस। And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get